मेरे पास है टेक गैलेक्सी जे फाइव प्राइम। मैं यहाँ ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करके मेरे पास पास ऑक्टोपस टूल है, उस पर देखते हैं उसका आई एम ई कैसे रिपेयर कर सकते हैं और नेटवर्क कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अभी वो कह रहा है कि केबल ठीक नहीं है, दोबारा लगा दी है। अभी देखें, दोबारा इन्फो ले रहा हूँ, वो ओके का ऑलवेज ओके ओके करें। ये सेट ने रीडिंग ले ली कि ये फलां सेट लगा हुआ है, मैं रिपेयर पे आ गया। तो इसका जो पहले वाला जो ईमी है वो मैंने लिखा हुआ है लैदर से, वही ईमी अब यहाँ मैं पेस्ट करूँगा पेस्ट। और दूसरा ईमी जो सेट की बैक पे लिखा हुआ है वो मैं दूसरी जगह पर लगाऊँगा यहाँ पर। पहला आईमी फिक्स कर लेते हैं। ये भी ऑक्टोपस प्लस टूल जो है, ये ऑक्टोपस टूल है, ये भी सर्वर बेस वर्क करता है। ये आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो ये इसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आईमी को रिपेयर कर सकते हैं। पहले बॉक्स ए में पहला करेंगे और फिर इमी बी में दोबारा दूसरे बॉक्स में बी को फिक्स करेंगे। इमी रिपेयर करने के बाद आपने नेटवर्क रिपेयर करना है, रिपेयर नेटवर्क, क्योंकि इमी जब जैसे ही आप रिपेयर करेंगे, अगर आप ओरिजिनल इमी देते हैं तो फिर तो रिपेयर नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करते हैं तो फिर रिपेयर नेटवर्क आपका सेट एनजी स्टेट पे चला जाएगा, तो एनजी स्टेट को रिमूव करने के लिए आपने रिपेयर नेटवर्क को लाजमी क्लिक करना है। देखिए, पहला जो आई एम ई है वो फिक्स हो गया है। अभी आपने ऑटो डिटेक्ट सेट को हटा लेना है और दूसरा जो है आई एम ई बी बी फिक्स कर लेना है। अगर आप ऑटो डिटेक्ट से नहीं हटाएंगे तो फिर आपको दोबारा सेट को ऑटो डिटेक्ट पे इन्फो लेनी पड़ेगी। ये यूज़र नेम और वेरीफाई कर रहा है, कार्ड वेरिफिकेशन वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह आपने दूसरा आईएमई भी फिक्स कर लेना है, जैसे आपने पहला फिक्स किया था फिर दूसरा आईएमई फिक्स कर लेना है। ये ऑक्टो प्लस टूल है, ऑक्टो प्लस टूल भी से कहते हैं। इससे आप गैलेक्सी सैमसंग के जितने भी ब्रांड हैं उसके आईमी को ऐसे रिपेयर कर सकते हैं।
और इसकी आपके पास अगर ऑक्टोपास टूल नहीं है तो इसका क्रैक तो नहीं मिलता नेट पे, जितने भी हैं फेक है सारे, किसी से डिवाइस की पोर्ट शेयरिंग ले सकते हैं, आप मुझसे भी पोर्ट शेयरिंग ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, अगर आपको इस डिवाइस की पोर्ट शेयरिंग चाहिए होगी तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। इसी तरह ये देखें दूसरा एमई भी फिक्स हो गया। ये सारी वीडियो आपको सिखाने के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ अपने सेट पर, अपने बाकी सेट वैसे ही करने हैं जैसे आप जैसे ये मैं कर रहा हूँ। दूसरा एमई फिक्स हो गया है तो वो पहले वाला भी आई भी फिक्स हो गया, दूसरा भी फिक्स हो गया है। अगर तवज्जो से सुनने, अगर आपने ओरिजिनल आई में दिए हुए हैं तो रुपये नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने आई में चेंज किए हैं तो फिर रुपये नेटवर्क लाजमी करें। मुझे रुपये नेटवर्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आई में ओरिजिनल दिए हैं, पैच लेवल वही है। तो देखें आपने भी करना है तो इसे क्लिक कर देंगे तो वो रुपये नेटवर्क भी हो जाएगा। रिपेयर नेटवर्क का मतलब ये है कि आप जैसे आईमी रिपेयर करते हैं या चेंज करते हैं तो आपका सेट एनजी स्टेट पे चला जाता है। एनजी स्टेट को रिमूव करने के लिए, ताकि आपका सेट प्रॉपर फंक्शन करे, प्रॉपर जो है वो नेटवर्क उठा ले, तो ये नेटवर्क सेटिंग है, ये आपके एरिए या जीएसएम के जो एरिया है या जो भी आपकी सिमें वगैरह हैं उस पर ये नेटवर्क सेटिंग हो जाएगी, वो उठा ले। वर्ल्ड में जितनी भी सेटिंग चल रही है ये सारी उठा यानी कि रुपये नेटवर्क से ओके हो जाएगी। वीडियो लंबी हो रही है, ये इसी तरीके से आपने ऑक्टोपास को ईमेल रिपेयर करने हैं, और मेरे चैनल पे ऑक्टोपास के मुकम्मल वीडियोस पड़े हैं जिसमें एमटी के इन्फिनियन और दूसरे सीपीयू के भी मोबाइल के रिपेयरिंग है, और इस पे एफआरपी कैसे कर सकते हैं या ईएफएस कैसे कर सकते हैं, एनवीआरएम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो वो पूरी प्लेलिस्ट है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो मेरे चैनल से आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।